Hello everyone, this video is for class 5. It is chapter 12, collective noun. In English grammar we had learnt about noun. We knew that any naming word is called noun and there are 5 kinds of noun: proper noun, common noun, collective noun, abstract noun and material noun. In this chapter we discuss about collective noun. What do you mean by collective noun? A collective noun is a noun which refer or describe a group of things, peoples, animals as a single unit. जैसे कि हम लोग जानते हैं किसी भी नाम वाले चीज को संज्ञा कहा जाता है. नाउन का मतलब संज्ञा होता है और यह कलेक्टिव नाउन जो है यह संज्ञा का एक तरह का प्रकार है. आज इस चैप्टर में हम लोग कलेक्टिव नाउन, जिसे हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, के बारे में जानेंगे. ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो समूह में होते हैं और उसके लिए एक अलग ही स्पेशल वर्ड बन जाता है. तो ये कलेक्टिव नाउन हमें उसी तरह के समूह में रहने वाले जानवरों के बारे में बताएंगे. तो नंबर वन, ए ग्रुप ऑफ एलिगेटर्स. ए ग्रुप ऑफ एलिगेटर्स, तो ए ग्रुप ऑफ एलिगेटर्स आर नोन एज कॉन्ग्रीगेशन. ए ग्रुप ऑफ एलिगेटर्स आर कॉल्ड कॉन्ग्रीगेशन. नंबर टू, ए ग्रुप ऑफ एंट्स. एंट्स किसको कहते हैं? चींटियों को. तो चींटियाँ बहुत समूह में होती है, चींटियाँ समूह में होती है, तो ए ग्रुप ऑफ एंट्स को हम लोग क्या कहते हैं? कॉलोनी. ए ग्रुप ऑफ कैटरपिलर्स, तो ए ग्रुप ऑफ कैटरपिलर्स को हम लोग क्या कहते हैं? आर्मी. ए ग्रुप ऑफ ईगल्स. ईगल्स जब अपने ग्रुप में रहते हैं तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्वोकेशन. ए ग्रुप ऑफ ईगल्स आर कॉल्ड कॉन्वोकेशन. ए ग्रुप ऑफ फ्लाइज, मक्खियाँ. मक्खियाँ अगर अपने ग्रुप में रहती है, समूह में रहती है, तो उन्हें हम क्या कह के बुलाते हैं? दोज आर कॉल्ड बिजनेस. ए ग्रुप ऑफ फ्लाइज आर कॉल्ड बिजनेस. ए ग्रुप ऑफ गीज, ए ग्रुप ऑफ गीज आर कॉल्ड फ्लॉक. ग्रुप ऑफ गीज आर कॉल्ड फ्लॉक. ए ग्रुप ऑफ आउल्स, ए ग्रुप ऑफ आउल्स आर कॉल्ड पार्लियामेंट. ए ग्रुप ऑफ शिप, ग्रुप ऑफ शिप आर कॉल्ड ड्रॉप. ए ग्रुप ऑफ कैमल्स, ग्रुप ऑफ कैमल्स आर कॉल्ड कारवां. ग्रुप ऑफ सोल्जर्स आर कॉल्ड, ए ग्रुप ऑफ सोल्जर्स आर कॉल्ड प्लाटून. ग्रुप ऑफ सोल्जर्स आर कॉल्ड प्लाटून. ए ग्रुप ऑफ फिश, ए ग्रुप ऑफ फिश आर कॉल्ड ड्राफ्ट. ए ग्रुप ऑफ बीज आर कॉल्ड हाइव. ए ग्रुप ऑफ गोरिल्ला आर नोन एज ट्रूप. ए ग्रुप ऑफ जैकल्स आर कॉल्ड पैक. ए ग्रुप ऑफ ऑस्ट्रिच, ए ग्रुप ऑफ ऑस्ट्रिचेस आर कॉल्ड फ्लॉक. A group of oxen, a group of oxen are called team. A group of pigeons, a group of pigeons are called flight. A group of students, a group of students को हम लोग क्या कहते हैं? Are known as class. A group of lawyers, a group of lawyers को हम लोग क्या कहते हैं? Murder. And लास्ट वन, ए ग्रुप ऑफ स्टार्स. ए ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम लोग क्लस्टर्स कहते हैं. तो ये है कलेक्टिव नाउन्स. कलेक्टिव नाउन्स किसी भी जानवर के, किसी भी चीज़ के समूह के लिए एक वर्ड बनाता है, उसे हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं. डू यू नो व्हाट्स द ग्रुप ऑफ बुक्स टू बी कॉल्ड? ग्रुप्स ऑफ बुक्स को हम लोग क्या कहेंगे? The group of books to
टू बी कॉल्ड इज अ पाइल ऑफ बुक्स। तो ग्रुप ऑफ बुक्स को हम लोग ए पाइल ऑफ बुक्स कहते हैं, या तो वैसी जगह को हम लोग लाइब्रेरी भी कहते हैं जहाँ पे बुक्स के ग्रुप्स को रखा जाता है, दैट इज ऑल्सो नोन एज लाइब्रेरी। वैसे कलेक्टिव नाउन में उसे हम लोग ए पाइल्स ऑफ बुक्स कहते हैं। तो ये सारे वर्ड्स कलेक्टिव नाउन्स के हैं। ओके, थैंक यू।